तो दोस्तों इसमें हम लोग बात करने वाले किस तरह से आप ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पर तो यहाँ पर जो कि आपका साइन आउट सेशन होता है, आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी भी यहाँ पर डिवाइस में आप अपने ईमेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो उसका मॉडल नंबर आपको देखने के लिए मिल जाता है। और यदि मान लीजिए उसे आप साइन आउट करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो कि यहाँ पर ट्रस्टेड डिवाइस होता है उसे किस तरह से आपको रिमूव करना है, इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले। तो आप इस वीडियो को देखते रहे, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक बिंद्रा बंद, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं किस तरह से आप ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं। जहाँ पर आपने जिस भी डिवाइस में साइन इन किया है उसे आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ पर बात आती है ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव करने के लिए तो यहाँ पर आप फेल हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो सिंपली आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में आ जाना होगा। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद सिंपली आपको गूगल का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको टैप करना होगा। टैप करने के बाद सिंपली आपको एक ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, मैनेज योर गूगल अकाउंट। तो इसमें जब कभी भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी में आ जाना, जैसा कि इसमें देख सकते हैं। तो सिक्योरिटी में आने के बाद यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन मेथड देख लेना होगा, कौन कौन से यहाँ पर मेथड से आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने इस जीमेल आईडी को। तो सिंपली यहीं पर आपको ट्रस्टेड डिवाइस देखने के लिए मिल जाता है। तो इसे किस तरह से रिमूव करना है, तो यदि मान लीजिए आपने जिस फोन में अपने जो कि जीमेल आईडी उसे लॉग इन किया, तो उसे आप बहुत ही आसानी से ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपका योर डिवाइस लॉग इन देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ से आप साइन आउट कर सकते हैं। लेकिन बात आती है ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव करने के लिए, तो इसे रिमूव करने के लिए आपको एक सेकेंड फोन ले लेना होगा। सेकेंड फोन में अपना जो कि ईमेल आईडी उसे लॉगिन कर लेना होगा। जहाँ पर तो लॉगिन करने के बाद सिंपली क्या होगा कि जिस सेकंड फोन में आपने अपना जीमेल आईडी को लॉगिन किया है वहां से आप इस डिवाइस को साइन आउट कर दीजिए। जहाँ पर साइन आउट करने के बाद आपका जो कि सेकंड फोन है वह ट्रस्टेड डिवाइस बन जाएगा और यहाँ से यह डिवाइस ट्रस्टेड नहीं रह जाएगा। यह इसमें से आपको ट्रस्टेड डिवाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं कुछ इस तरह से। और जब कभी भी आपका जो कि ओरिजिनल डिवाइस है इसमें आप साइन इन करेंगे तो यह ट्रस्टेड डिवाइस नहीं बनेगा। जहाँ पर तो यदि मान लीजिए आपने ट्रस्टेड डिवाइस करके रखा है और जब कभी भी साइन इन करते हैं तो उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर अलाउ करते हैं या फिर यस करते हैं तो कुछ कोड देखने के लिए मिलता है, तो उसको आप यहाँ पर चूज करके आप साइन इन कर सकते हैं। तो ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव करने के लिए जैसा कि हमने प्रोसेस बताया, आपको सेकेंड फोन ले लेना होगा, साइन इन और साइन आउट करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ट्रस्टेड डिवाइस हट जाएगा और आपको यहाँ पर कभी भी ट्रस्टेड डिवाइस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब भी चाहते हैं यदि आप ट्रस्टेड डिवाइस बना लें तो सिंपली आपका जो कि सेकेंड फोन है उसमें से साइन आउट करना होगा, तो जो कि आपका फोन है वह ट्रस्टेड डिवाइस बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं ट्रस्टेड डिवाइस को। और यदि आप चाहते हैं जितने भी आपके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है वो डिलीट हो चुके हैं उसे किस तरह से यहाँ पर रिकवर करें, तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं कॉन्टैक्ट हिस्ट्री को रिकवर करने के लिए। तो हमें उम्मीद आप समझ गए किस तरह से आप ट्रस्टेड डिवाइस को रिमूव कर सकते हैं अपने फोन से। तो यही बेस्ट प्रोसेस है, आप बहुत ही आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो इसी तरह से और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, आपको डेली कुछ ना कुछ नया चीज सीखने के लिए मिलेगा। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।